मसीह की प्रेज लॉर्ड। मैं प्रार्थना करने आया हूँ उस समय आप सबके लिए और उनके लिए जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं इस हील मिनिस्ट्री के, और प्रार्थना करने आया हूँ। कल 15 अगस्त है, देश आज़ाद हुआ था, इसके विषय में भी प्रार्थना करनी, बल्कि हम सबको करनी है। देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे आज कि गरीबी से, बीमारी से और तमाम इन लड़ाई झगड़ों से और इन सब परेशानियों से आज़ाद हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा आज़ाद करने वाला परमेश्वर। कि वचन में कहता है ना कि तुम स्वतंत्र कह जाओगे, सच में स्वतंत्र कह जाओगे। इसलिए प्रभु इस 15 अगस्त पे इस देश को असली में आज़ाद करें, ताकि गरीबी, बीमारी और इन सब से जो करप्शन है, जो नाना प्रकार की बीमारियाँ चल रही है, जो इतने गुंडागर्दी चल रही है देश के अंदर, उन सब में आशा है प्रेम, आनंद, शांति ये हमारे देश में हो, देश के नेताओं में हो, आपसे प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े और नफरत दूर हो। इससे हमारा देश, इसको रियल में आज़ाद देश कहते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे सबके लिए आज इस खुशी के मौके पे। आज 15 अगस्त है, देश आज़ाद हुआ था, इसके विषय में भी हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर ते सम्मुख आते जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे प्रभु जी आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर जो तूने मुझसे कहा कि तू प्रार्थना कर, पिता परमेश्वर मैं तेरा खादिम होकर प्रभु जी प्रार्थना कर रहा हूँ। पिता परमेश्वर जो तूने मुझे इसमें मुख्य है पिता परमेश्वर हीलिंग मनुष्य में, हम पूरे परिवार प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रार्थना यही है पिता परमेश्वर कि आज इस 15 अगस्त पे, स्वतंत्र दिवस पर पिता परमेश्वर यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जगह जगह मन चैन हो और प्रभु जी भाईचारा बढ़े पिता परमेश्वर, और हर वो चीज़ जो हमारे देश के विरोध में है आज वो प्रभु यीशु मसीह का मुझे दूर जाए, ताकि पिता परमेश्वर सब में प्रेम हो। देश आज़ाद हो गया लेकिन हम मानसिक तौर पर भी आज़ाद नहीं हो पाए, इसलिए प्रभु जी हमें मानसिक तौर पर आज़ाद करें, हमारे अंदर से प्रभु जी हीन भावना डर दूर हो जाए, नफरतें दूर हो जाए पिता परमेश्वर, किसी प्रेम कर रहे क्रोध दूर हो जाए पिता। उस दिन खादी में प्रार्थना चल रही है पिता, इस देश को बचाने के लिए प्रभु पिता हम आपका धन्यवाद करते हो प्रभु जी। यहाँ के सैनिकों के साथ हो, पुलिसकर्मी के साथ हो, जो इतना हमारे लिए प्रभु जी पिता जागते हैं ताकि हम सो सके, उनके हाथों में छिपा दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनके परिवारजन सबके साथ हो पिता, और जो इस 15 अगस्त की कुर्बानी पर शहीद हुए थे उनको प्रभु जी उनके परिवार को उन्नति दे पिता परमेश्वर, और प्रभु उनका उनकी जो शहीद है पिता परमेश्वर उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा आज प्रार्थना करते हैं इस देश को पिता, जो बीमारी से जकड़े हुए हैं, जो बेरोजगार है प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो नाना प्रकार की बीमारी में, बुरी आदतों में, ड्रग्स में, शराबों में है प्रभु पिता, जो बुरे बुरे काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु कि उनको आज रियल में आज़ादी मिले पिता परमेश्वर, इन जीसस नेम प्रभु जी रियल में आज़ादी मिले पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी उनका जीवन बचाया जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने भी परिवार में, जितने भी पिता परमेश्वर तेरे देश में लोग रहते हैं पिता, सब पे तेरी आशीष हो प्रभु जी, कोई भी पिता परमेश्वर प्रभु जी दुखी ना हो। यहाँ के प्रभु जी हम प्रधानमंत्री प्रार्थना करते हैं पिता, उनको भी पिता परमेश्वर तेरे उपस्थिति में लाते हैं प्रभु जी, और सबको प्रभु जी भाईचारे का संदेश लगाते हैं पिता। प्रभु जी इस महंगाई में प्रभु जी सबका साथ दे पिता, जो बेरोजगार को रोजगार दे, बीमारी को छुटकारा दे, जो बंदे से झगड़े हैं उनको आज़ाद करें, ताकि तेरे नाम को धन्यवाद दे सके। हमें प्रार्थना सुन प्रभु जी, यहाँ की हर व्यवस्था को, हर आर्थिक व्यवस्था को, हर प्रभु जी दारू नियम को ध्यान भी सौंपते हैं, सब कुछ सही चले प्रभु जी, कोई भी ऐसा घूसखोर कर्मी ना हो प्रभु जी, कोई करप्शन वाला ना हो पिता परमेश्वर, और सबको तेरे नाम में सौंपते हैं प्रभु जी। आज़ादी दे पिता परमेश्वर, पूर्ण रूप से आज़ादी दे प्रभु जी, इस देश को आज़ाद हुए हुए आज पिता परमेश्वर 17 सेप्टेम्बर इसमें तेरी उपस्थिति हो पिता परमेश्वर, और तेरा जलाल पाया। जितने भी पिता परमेश्वर तेरे गिरजा घर में प्रार्थना चल रही है प्रभु जी, उन सभी भी आशीषों बरकत दे प्रभु जी, सबके खादिमों के परिवार में आशीष है, कलीसिया में आशीष दे प्रभु जी, और जितने भी मुझे फ़ोन करते हैं, हमारे कलीसिया में फ़ोन करते हैं,
और प्रभु जी कॉल करते मैसेज करते आज उनके लिए प्रार्थना कर रहा है प्रभु जी पिता परमेश्वर की उनको छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से ताकि पिता बीमारी जाती रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी दुर्बलता जाती रहे पिता अंधकार जाता रहे पिता बीमारियाँ जाती रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी कोई भी गरीबी ना रहे पिता कोई भी पिता परमेश्वर प्रभु जी शैतान के बंधन में ना रहे दुष्ट आत्मा में ना रहे प्रभु सबको आजाद कर आज के दिन आजाद कर पिता परमेश्वर ताकि कोई भी अगर ऐसा सोच रहा है कि आज को उसका दिन बहुत भारी है लेकिन नहीं प्रभु उसके साथ ही होगी देखिए नौजवानों के जिन में जो भी सुसाइड का फैला था आज प्रभु यीशु से आपसे बात करना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा मत करो जीवन पर बुन दिया है प्रभु जितने भी ये सोच चुके हैं कि आज लाजर की प्रभु जी पिता लाजर की तरह की वो खत्म हो चुका है चार दिनों का कुछ नहीं हो सकता फिनिश लेकिन प्रभु यीशु से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वो तो जिलाने वाला परमेश्वर यार की बेटी की तरह हम सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ मत डर इधर तरह मत आग मैं तेरा परमेश्वर वाकई में तुम्हारा परमेश्वर है तुम्हारा उद्धार करता परमेश्वर तुमने वचन में कहा है परमेश्वर कि मैं तुम्हारा चंगा कर लेता परमेश्वर इसलिए प्रभु जी जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ आ रही है जहाँ मेरी प्रार्थना जा रही है उन सभी को तो अनुग्रह करे छुटकारा जो उम्मीद हार चुके जो खो चुके सब कुछ जिन्हें परिवार में कुछ खोया है प्रभु जी जो उम्मीद के बिना जी रहे प्रभु जी जो हार चुके हैं उनको तू बदल दे यीशु राजा बदल दे पिता परमेश्वर उनके जीवन बदल दे उनके जीवन में आ पिता परमेश्वर और वो आशीष पाए तमाम इन बात इन प्रार्थना के लिए तो निवेदनों पर जो हम पे आते प्रभु जी प्रार्थना करें छुटकारा दे या मसीह को छुटकारा दे छुटकारा दे नेम ऑफ जीसस लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी आपके प्रार्थना सुनो प्रभु जी जो रिश्तों में जिनकी शादियाँ नहीं हो रही है प्रभु जी जो सोच रहे हैं कि अब कोई उम्र नहीं है पिता अब वो हार चुके प्रभु जी लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों प्रभु जी पिता परमेश्वर हमारा जो जीवित है प्रभु जी वह असंभव को संभव कर सकता है यदि माँ बाप सोच रहे कि हमारा बेटा सुधर नहीं सकता मत डर केवल विश्वास रख तो महिमा देगी ऐसा हमारा परमेश्वर आपसे बात करता है जितने भी बड़े आशक हो चुके हैं हार चुके हैं सुसाइड करने पर परिवार टूट चुका है क्लेश है बीमारी है आज प्रभु सबसे बात कर आज देश आजाद में वो भी आज़ाद हो रहे आज आज़ाद हो रहे आज सबको आज़ाद कर पिता परमेश्वर छुटकार दे कर्जे की आत्मा नौकरी की जो नौकरी ना लगने लगे आत्मा हर वो ऐसी आत्मा शराब पीने की आत्मा प्रभु जी और पिता परमेश्वर ड्रग्स की आत्मा तमाम ऐसी बातें जो बुरी शैतान लाता है आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से मैं हुक्म करता हूँ कमांड करता ना नियम और चीज़ राइट आउट छुटकारा दे प्रभु जी पिता और छुटकारा दे पिता दिन मेरी प्रार्थना सुने हमारे भरे को आशीष दे प्रभु जी और छुटकारा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से मांगते प्रार्थना सुने कबूल करेंगे हाँ धन्यवाद हो सबको सबको ध्यान से कि इस मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना करना सपोर्ट करना और अगर आप कुछ दान देना चाहते हैं तो इस मिनिस्ट्री पे हमें कॉल करें ताकि छोटी सी मिनिस्ट्री जो प्रभु ने दी है ये बढ़ती जाए प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे जय मसीह की।